आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस डिश गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी राजस्थान की ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल डिश है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। खाने में ये इतनी ज़्यादा लाजवाब होती है कि आपको क्या बताऊँ। नॉर्मली इसकी ग्रेवी दही में बनाई जाती है, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से इसे बनाने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बेसन के गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ली है। इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 छोटी चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल लिया है, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ दही डाल रही हूँ। मैं दही में आटा लगाने वाली हूँ। दही से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दही में ये आटा लगकर तैयार हो जाएगा। 1 से 2 चम्मच पानी ही हमें इसमें लगेगा। तो पहले हम दही में आटा लगा लेते हैं अच्छे से, और चम्मच से हमें पानी डालना है। तो यहाँ मैं करीब 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। लगभग इसी में हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि बेसन में ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो हम अच्छे से आटा लगा लेंगे और थोड़ा सा हम तेल डालकर अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे। मसल मसल के आटे को हमें चिकना करना है। देखिए, मैंने अच्छे से ये चिकना कर लिया है। अब इसमें से हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर तैयार कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल चिकना ये लग रहा है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पर हथेली की सहायता से इससे इसके ब्लॉक्स तैयार कर लेंगे, यानी कि गट्टे तैयार कर लेंगे अपने। और ये हम बिल्कुल चिकने करेंगे जिसे देखने में भी ये सुंदर लगेंगे। तो गट्टे आप अपने हिसाब से पतले या मोटे, जैसे आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। तो सारे हम ऐसे ही गट्टे बना तैयार कर लेंगे। देखिए, गट्टे मैंने बनाकर अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें पानी में उबाल लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी को गर्म कर लिया है, पानी उबल रहा है। उबलते पानी में हम इनको डाल देंगे। जैसे ही आप गट्टे डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे, तले में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये अभी हैवी हैं। लेकिन जैसे जैसे पकेंगे ये हल्के होके ऊपर तैरने लगेंगे। तो ये इसका शाइन है कि अभी गट्टे हमारे पकने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए ढककर इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए, 10 से 12 मिनट हो गई हैं। अब हम चेक कर लेंगे। गट्टे आप देख पा रहे होंगे ऊपर तैरने लगे हैं, यानी कि ये पहले से हल्के हो गए हैं और पक गए हैं। तो हम एक उठाएंगे और चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसको कट करके चेक करती हूँ। देखिए, इसमें आपको हल्का हल्का वाइट लग रहा होगा अंदर। ये पूरी तरह से पके नहीं हैं। हल्के से हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गई हैं, गट्टे हमारे अच्छे से पक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और जो पानी इसमें बच गया है उसको हम फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। इसमें हम ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी में हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्के हल्के बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे, जैसे आपको पसंद हो, आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। अगर आप इसकी ग्रेवी घी में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और 1/2 छोटी चम्मच हम जीरा डाल लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ली है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, तो उसका भी आप जितना ज़्यादा पसंद हो आपको उतना डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लहसुन नहीं डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। करीब करीब ये 2 से 3 हरी मिर्च हैं। इसे भी भून लेंगे।
और एक प्याज की मैंने यहाँ पेस्ट बनाया है, तो वो डाल लेते हैं। प्याज को पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से प्याज पका होना चाहिए। अब मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है, एक चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल ली है, एक चम्मच ही धनिया पाउडर। अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसमें टमाटर नहीं जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। तो दो टमाटर की मैंने इसमें प्यूरी डाल दी है। अच्छे से पका लेंगे इसे। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप ध्यान से डालना, क्योंकि आटा जब हमने लगाया था तो तब भी इसमें हमने नमक डाल दिया था। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें एक चम्मच बेसन डाल रहे हैं। बेसन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। बेसन से हमारी ग्रेवी हल्की सी थिक बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें बेसन मिलाया है। एक चम्मच हम तेल और डाल देंगे, जिससे बेसन में बेसन अच्छे से हमारा भुन जाएगा। तो बेसन को भी अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने यहाँ आधा कप दही ली है, तो दही को डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसको हम जब मिला रहे हैं तो बिल्कुल चलाते हुए ही हमें मिलाना है। तो चम्मच से इसे चलाते रहेंगे और इसे मिलाते रहेंगे, इससे दही बिल्कुल फटेगी नहीं। लेकिन हमने इसमें बेसन का यूज़ किया है तो बेसन दही को फटने नहीं देगा। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने जो जिसमें गट्टे उमने उबाले थे वो पानी लिया है, करीब करीब एक कप पानी है। इसमें बहुत ही सारा फ्लेवर है तो ये हम डाल देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अच्छे से मिला देंगे इसे। और इसे हम ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए ढक कर हम पका लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। देखिए तेल आपको लग रहा होगा कि देखिए ऊपर अच्छे से तेल आ गया है, इसने अच्छे से तेल को रिलीज़ कर दिया और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे, गट्टे को अच्छे से मिला देंगे और साथ ही साथ इसमें आधा कप हम पानी भी डाल लेंगे, क्योंकि गट्टे हम अब उबालेंगे, इसमें पकाएंगे ग्रेवी में, तो पानी इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पहले से ही आपकी ग्रेवी थोड़ी पतली है तो आप पानी मत डालना। अब इसे ढक कर हम करीब करीब 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। दस मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। देखिए गट्टे अच्छे से पक रहे हैं। अभी हमें इसे करीब करीब 3 से 4 मिनट और पकाना है। अब मैंने यहाँ एक चम्मच कसूरी मेथी ली है, ये मैंने तवे पर भून के ली है और हथेली से हम क्रश करके इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और आधी चम्मच हम यहाँ गरम मसाला डाल रहे हैं, गरम मसाला भी डाल के अच्छे से मिला देंगे हम। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ढक कर हम इसे 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।
ये लीजिए, गट्टे की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। एकदम परफेक्ट ये बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ऐसे बना सकते हैं, मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई है, तो आपको आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पर आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।